हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग माय डियर सेकंड क्लास किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड. ओके, वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लास. आर यू रेडी विथ योर हिंदी रीडर्स? सो लेट्स वी स्टार्ट अवर हिंदी क्लास. सी चिल्ड्रंस, दिस इज योर हिंदी रीडर. विच क्लास इट इज? सेकंड. ओके, नाउ ओपन योर रीडर्स. बच्चों, आप लोग अपनी अपनी रीडर्स के साथ रेडी है ना? चलिए ओपन करिए रीडर. चलिए, अपने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे बच्चों? अपन कौन सा पार्ट पढ़े थे? अपन थर्ड पार्ट. इसका नेम क्या था? कैसे बना शहद. कैसे बना शहद, शहद के बारे में पढ़े थे ना बच्चों, कि शहद कैसे बनता है. याद है आप लोग को? ये पार्ट में अपन पढ़े थे कैसे बनता है शहद. बच्चों, मधुमक्खियाँ किससे अपना शहद बनाती है? फूलों के रस से. ठीक है, किससे? फूलों के रस से. मधुमक्खियाँ क्या करती है? फूलों का रस इकट्ठा करके शहद बनाती है. ठीक है, याद है आप लोग को? चलिए, प्रीवियस क्लास में अपन ये पार्ट से संबंधित व्याकरण करे थे ना बच्चों, पेज नंबर 24 और पेज नंबर 25. ये भी अपना प्रीवियस क्लास में कंप्लीट हो चुका है. चलिए, आज अपन पेज नंबर 26 करेंगे आज की क्लास में. ठीक है, आर यू रेडी? नाउ टेक आउट पेज नंबर 26, फर्स्ट बिट. चलिए देखिए, सही कौन, सर्कल द करेक्ट वर्ड. आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर कुछ यहाँ पर शब्द है, आपको उस पर गोला लगाना है. ठीक है, सर्कल करना है. शुद्ध शब्द पर गोला लगाइए. कुछ शब्द है यहाँ पर, उसकी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होती है बच्चों, उस पर आपको क्या करना है? गोला लगाना है, यानी कि सर्कल करना है. अंडरस्टैंड? चलिए, फर्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर. नाश्ता, नाकुआ की मात्रा श, ताकुआ की मात्रा नाश्ता. नाश्ता होगा ये, नाश्ता. ओके, तो आपको करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है उस पर आपको सर्कल करना है. तो देखिए, नाकुआ की मात्रा श, नाश. ताकुआ की मात्रा त, नाश्ता. ठीक है, ना यहाँ पर श पूरा है बच्चों, इसके यहाँ पे मात्रा है श को, नाश्ता हो जाता ये. देखिए, नाश्ता, ये श आधा श आना है, यानी कि इसकी मात्रा है ना, यहाँ पर मात्रा नहीं है. तो करेक्ट स्पेलिंग ये होगी बच्चों. ठीक है, नाश्ता. सेकेंड वन, तो आपको उदाहरण में ये फर्स्ट वन कम्प्लीट है. चलिए दूसरा देखिए, अपन दूसरा देखेंगे. छत्ता, छत्ते की स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है बच्चों? या अपन छत्ता पढ़े थे अपन. छत्ता, छत्ता किसे कहेंगे बच्चों? मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है, जब मक्खियाँ शहद इकट्ठा करती है, उसको छत्ता बोलेंगे हिंदी में, यानी कि पुट्ठा बोलते हैं अपन उर्दू में, हिंदी में छत्ता बोलते हैं. चलिए देखिए, कौन सी स्पेलिंग इसकी करेक्ट है, शुद्ध स्पेलिंग है इसकी. देखिए यहाँ पर, देखिए छ अदता, छत्ताकुआ की मात्रा त, छत्ता. ठीक है, यहाँ पर देखिए छ ताकुआ की मात्रा त, छता हो गया ये छता है, ये छत्ता है. ठीक है, तो करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी बच्चों? छत्ता. ठीक है, ये फर्स्ट वन पे आप गोला लगाइए. ठीक है, छत्ता. सेकंड देखिए, इकट्ठा, इकट्ठा की स्पेलिंग आपको करेक्ट कौन सी है देखना है. ठीक है, ई क ट, इकट्ठा, ठाकुआ की मात्रा ठा, इकट्ठा. ठीक है, यहाँ पर देखिए, ई क ट, इकट, ठाकुआ की मात्रा ठा. यहाँ पर देखिए, जो नीचे रेखा है, इसके बारे में अपन मैं पीछे समझाई थी आपको कि ये टाप जब रेखा नीचे आएंगी तो इसको खींचना नहीं होता है ये अक्षर को. यहाँ पर देखिए, वो यहाँ पर रेखा नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग, इकट्ठा की स्पेलिंग ये सही है बच्चों, ये इसकी स्पेलिंग सही होती है. ठीक है, इकट्ठा, इकट्ठा. यहाँ पर टाकू, अपन यहाँ पर नीचे रेखा नहीं है तो इसमें आ की आवाज़ आती है. ठीक है, इक ट था, इकट्ठा हो जाता है ये. ठीक है, इकट्ठा ये है. ठीक है, इसकी स्पेलिंग करेक्ट होती है बच्चों. ठीक है, इस पे फर्स्ट वाले पे आप गोला लगाइए. सेकंड देखिए, बहुत, बा हा को बड़ी ऊ की मात्रा था, बहुत. ठीक है, बा हा, ये ऊ की मात्रा में आपको डिफरेंसेस देखना है बच्चों. अंतर देखिए, ये बड़ी ऊ की मात्रा है यहाँ पर, यहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा है. तो इसको आपको खींचना होता है, बड़ी ऊ की मात्रा जब लगेंगे तो खींचते हैं बच्चों. ठीक है, हु बोल के. अब यहाँ पर देखिए, सिर्फ छोटी ऊ की मात्रा है, हु, बहुत हो गया ये. ठीक है, ये बहुत है. ठीक है, वाह हा को छोटी की मात्रा था, बहुत. ठीक है, तो ये करेक्ट स्पेलिंग आपकी ये होगी, इस पर आप गोला लगाइए. चलिए दूसरा देखिए, मक्खियाँ, मक्खियों के शुद्ध शब्द क्या है देखिए आप. माँ का आधा का को छोटी की मात्रा ख, या को की मात्रा चंद्रबिंदु, मक्खियाँ. ठीक है, मक्खियाँ. यहाँ पर देखिए, माँ आधा का खा बड़ी की मात्रा खी, मक्खी, या को की मात्रा यहाँ, मक्खियाँ. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ई की मात्रा का अंतर है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है. जब भी बहुवचन में आपको लिखा जाएगा तो करेक्ट स्पेलिंग ये होगी बच्चों. इसमें यहाँ पर देखिए, छोटी ई की मात्रा है मक्खियाँ, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है मक्खियाँ.
ठीक है। तो ये फर्स्ट वन आपका सही है, शुद्ध शब्द है, इस पर आप गोला लगाइए फर्स्ट। दूसरा देखिए छुट्टियाँ, छाकू की मात्रा टा, छुट टाकू छोटी की मात्रा टी, छुट्टी याकुआ की मात्रा यहाँ, छुट्टियाँ ठीक है। एक से अनेक शब्द होता है, जन छुट्टी यानी कि एक हो गया, देखो यहाँ पर छुट्टी है, छुट्टियाँ हैं, छुट्टी यानी कि एक होता है, छुट्टियाँ एक से ज़्यादा अनेक हो गए। तो बच्चों जब एक से ज़्यादा शब्द हो, ऐसा आपको शब्द में एक से ज़्यादा का प्रयोग होगा तो ये ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा रहेगी, यहाँ पर देखिए बड़ी ई की मात्रा है ठीक है। तो करेक्ट आपका शब्द कौन सा होगा, ये होगा सही शब्द, ये है शुद्ध शब्द ठीक है, छुट्टियाँ छुट्टियाँ ठीक है। अब देखिए दूसरा देखिए लाभदायक, लाभदायक यानी कि फ़ायदेमंद ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग कौन सी बच्चों सही है, देखिए लाकुआ की मात्रा भा लाभ, दाकुआ की मात्रा दा, लाभ दा या का यक, लाभदायक यहाँ पर देखिए लाकुआ की मात्रा भा लाभ दा या का दयक, लाभ दयक हो गया यहाँ पर, क्या है लाभदायक ठीक है। आप ये फर्स्ट वन इसकी स्पेलिंग सही है ठीक है, इस पर सर्कल करिए। दूसरा देखिए मढ़, मंड राकुआ की मात्रा रा, नाकुआ की मात्रा ना, मडराना ये देखिए मडराना हो गया, ये यहाँ मंडराना पे आपको सर्कल करना है। माकू चंद्रबिंदु, मंडरा राकुआ की मात्रा रा, नाकुआ की मात्रा ना, मंडराना ठीक है, ये मडराना है, ये मंडराना है, मडराना बोलते हैं आप लोग, मंडराना बोलते, चलिए मंडराना ठीक है, ये स्पेलिंग्स के शुद्ध है, इस पर आप सर्कल करिए। चलिए ये बिट आपको समझ में आई बच्चों, चलिए नेक्स्ट बिट देखिए, एक से ज़्यादा, एक और एक से ज़्यादा ठीक है, वन मोर देन वन, यहाँ पर देखिए अच्छा लगा, फर्स्ट क्या है अच्छा लगा यानी कि एक हो गया, यहाँ पर अच्छे लगे, आपको इसका क्या करना है वचन बदलना है ठीक है। एक है तो एक से ज़्यादा लिखना है आपको, यहाँ पर उदाहरण के तौर पे आपको एक फर्स्ट कंप्लीट है, यहाँ पर अच्छा लगा अच्छे लगे एक ही मात्रा लगाना है, आज आधा अच्छा अच्छा कोई की मात्रा छः, अच्छे लगा कोई की मात्रा गे अच्छे लगे। चलिए दूसरा देखिए कर, कर ना कोई की मात्रा ने, करने लकवा की मात्रा गा लगा, करने लगा, तो आपको क्या करना है कर, कर ना कोई की मात्रा ने, करने लगे लिखना है, लगा है तो यहाँ पर लगे लिखना है, ल गा कोई की मात्रा गे लगे ठीक है, करने लगा करने लगे, करने लगा यानी कि एक, एक है करने लगा, करने लगे बोले थे बहुत सारे लोग काम करने लगे, ऐसा इस तरह से आपको वचन बदलना है इसका ठीक है, एक से ज़्यादा करना। बनाता है, बनाता है यानी कि कोई एक आदमी है कोई चीज़ बना रहा, बनाता है तो इसका आपको ज़्यादा कैसा लिखेंगे आप, बनाते हैं, ब नाकुआ की मात्रा ना, बना ताकुए की मात्रा ते, बनाते हैं, यहाँ पर आ की मात्रा है आपको, आपको एक ही मात्रा लगाना है ठीक है। चलिए दूसरा देखिए पीता रहा, पीता रहा तो आपको क्या करना है इसका ज़्यादा कैसा लिखेंगे आप, पीते रहें, यहाँ पर पीता है ताकुआ की मात्रा है तो यहाँ पर एक ही मात्रा लगाना है, पी ताकुए की मात्रा ते, पीते रहा को एक ही मात्रा है, रहें पीते रहें ठीक है। होता रहा तो होता रहा का क्या लिखेंगे बच्चों आप लोग, होते रहे ठीक है, यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर एक ही मात्रा लगाना है, होते रहे, रहा है यहाँ पर एक ही मात्रा लगाना है, रहें ठीक है, अंडरस्टैंड, एक से ज़्यादा लिखना है आपको यहाँ पर ठीक है। चलिए दूसरी बिट देखिए क्या है यहाँ पर, हमारे घर, राइट नेम्स ऑफ एनिमल्स होम्स, आपको क्या करना है यहाँ पर चित्र में कुछ एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, बर्ड्स है एनिमल्स है तो उसके आपको हाउस के नेम्स लिखना है होम्स के ठीक है, होम्स के उन लोग के नेम्स आपको ब्लैंक्स में लिखना है ठीक है। इन पशु पक्षियों के घर पहचानिए और लिखिए, यहाँ पर चित्र में जो पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं उनके घरों को पहचानना है आपको, यहाँ पर खाली स्थान में लिखना है ठीक है। पशु यानी कि एनिमल्स ठीक है, जानवर, पक्षी यानी कि बर्ड्स ठीक है, परिंदे। चलिए फर्स्ट देखिए मधुमक्खी डैश में रहती है, बच्चों देखो मधुमक्खी कहाँ पर रहती है, क्या बोलते हैं ये पार्ट में पढ़े थे ना कि मधुमक्खी कहाँ पर रहती है, क्या बोलेंगे इसको, छत्ता ठीक है, छत्ता लिखना है आपको, मधुमक्खी छत्ते में रहती है, छ आदता छत्ता को एक मात्रा थे, छत्ते में रहती है ठीक है फर्स्ट। सेकेंड देखिए चिड़िया डैश में रहती है, बच्चों चिड़िया कहाँ पर है यहाँ पे चित्र में, क्या बोलेंगे इसको, मालूम है आप लोग को, नेस्ट बोलते हैं ना इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे, घोंसला ठीक है, चिड़िया घोंसले में रहती है, घाको की मात्रा स लाकुए की मात्रा ले, घोंसले में रहती है ठीक है। चलिए तीसरा देखिए चूहिया डैश में रहती है, बच्चों यहाँ पर देखिए रैट है ना यहाँ पर, चूहिया हिंदी में चूहिया बोलेंगे, तो इन्हें कहाँ पर रहती है आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, इसका होम क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, बिल ठीक है, चूहिया कहाँ पर रहती है, आपके घरों में भी रहते हैं ना रैट्स, तो कहाँ पर रहती है वो, क्या बिल बनाती है ना, चूहिया बिल में रहती है, देखिए आप लोग घरों में दीवारों पर जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, बिल बनाते, सुराख बनाते, छेद बना के वहाँ पर उन्होंने अपना घर बनाते ठीक है, चूहिया बिल में रहती है, भाकू छोटी की मात्रा ला, बिल में रहती है ठीक है।
फोर्थ देखिए शेर कहाँ पर रहता है बच्चों, शेर तो यहाँ पर इसका चित्र नहीं है मगर उसका होम है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए शेर कहाँ पर रहता है बच्चों, ये क्या बोलेंगे इसको, डेन, इंग्लिश में डेन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, गुफा, ठीक है। गा कु छोटी उ की मात्रा गु, फा कुआ की मात्रा फा, गुफा में रहता है, ठीक है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस बिट, नाउ कम ऑन द पेज नंबर 27। चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है, आपको कुछ एक्टिविटी है। नाश्ते के समय माँ ने मेज़ पर कई चीज़ें खाने के लिए रखी, उनमें से कौन सी चीज़ आप मन से खाएंगे और कौन सी सेहत के लिए खाएंगे, उन पर राइट का चिन्ह लगाइए। आपको क्या करना है बच्चों, आपकी मम्मी आप टेबल पे जहाँ पर नाश्ते में क्या करते हैं, खाने की चीज़ें रखते हैं ना बच्चों, तो कौन सी चीज़ आप सेहत के लिए खाएंगे और कौन सी चीज़ मन से खाएंगे, ठीक है। तो आपको उस पर आपको टिक का चिन्ह लगाना है, राइट का चिन्ह। समझ में आई बच्चों, ये बीट में क्या करना है आपको, बच्चों क्या करना है आपको यहाँ पर, कि माँ ने आपके मेज़ पर कौन सी चीज़ें रखी, खाने के लिए कई सारी चीज़ें रखते हैं, तो आप कौन सी चीज़ मन से खाते हैं और कौन सी सेहत के लिए खाते हैं, तो क्या करना है यहाँ पर, बॉक्स में कुछ खाने की वस्तुओं के नाम हैं, तो आपको टिक का चिन्ह लगाकर बताना है कि कौन सी चीज़ आप मन से खाएंगे और कौन सी सेहत के लिए खाएंगे। देखिए यहाँ पर बॉक्स में खाने की वस्तुएँ हैं, यहाँ पर खाने की चीज़ें हैं, तो आप कौन से मन से खाएंगे और कौन सी सेहत के लिए खाएंगे, उस पर आपको टिक का चिन्ह लगाना है। देखिए फर्स्ट क्या है, पराठा। तो पराठा बच्चों आप कैसे खाते हैं, यानी कि मन से खाते हैं या फिर सेहत के लिए खाते हैं, हाँ बोलिए, मन से तो खाते हैं ना पराठा, मन से खाते हैं ना आप लोग, शौक से मन से दिल से खाते हैं ना पराठा। चलिए मन से खाएंगे बोल के इस पे ये बॉक्स में आप टिक का चिन्ह लगाइए, और पराठा सेहत के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है, आप इसमें भी टिक का चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है, सेहत के लिए। सेकेंड देखिए मक्खन है, मक्खन बच्चों आप मन से खाएंगे या फिर सेहत के लिए खाएंगे, मन से खाते हैं शहद जो सॉरी मक्खन, मक्खन क्या करते हैं आप लोग, मन से खाते हैं, ठीक है, अच्छा दिखता है ना मक्खन आपको। चलिए दूसरा देखिए जैम, तीसरी वस्तु क्या है बच्चों खाने की, जैम है। तो बच्चों जैम कैसे खाएंगे आप लोग, मन से खाते हैं सेहत के लिए खाते हैं, मन से खाते हैं, वेरी गुड। जैम आपको बहुत पसंद होता है ना, तो आप कैसे खाते हैं, मन से खाते हैं, ठीक है, जैम मन से खाएंगे, इस पर आप टिक का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों जैम सेहत के लिए अच्छा होता है नहीं, ठीक है, आप इसमें टिक का चिन्ह नहीं लगाना चाहिए आपको, मन से खाएंगे इस पर लगाइए आप, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए यहाँ पे शहद, बच्चों शहद, अपन शहद के बारे में पढ़े, तो आप वो मन से खाते हैं या फिर सेहत के लिए खाते हैं, मन से तो खाएंगे शहद और वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है, अपन ये पार्ट में पढ़े कि शहद सेहत के लिए लाभदायक होता है, ठीक है, तो अपन सेहत के लिए खाएंगे मन शहद बोल के आप यहाँ पर टिक्का चिन्ह लगाइए, ठीक है, मन से भी खाते हैं आप लोग शहद और सेहत के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। चलिए दूसरा खाने की वस्तु देखिए नूडल्स, नूडल्स कैसे खाते हैं बच्चों आप लोग, नूडल्स मन से खाते हैं ना, हाँ चलिए मन से खाते हैं नूडल्स, आपको बहुत अच्छे लगते हैं ये जंक फूड्स, तो मन से खाते हैं आप लोग, ठीक है, तो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है नूडल्स, तो यहाँ पर आपको टिक्का चिन्ह नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए बर्गर, बर्गर भी क्या करते हैं मन से खाते हैं सेहत के लिए खाते हैं, मन से, चलिए वेरी गुड, बर्गर भी आप मन से खाते हैं, इस पर टिक्का चिन्ह लगाइए। पिज्ज़ा, पिज्ज़ा भी किसे कैसे खाते हैं, मन से या फिर सेहत के लिए, पिज्ज़ा आपको बहुत अच्छा लगता है तो मन से ही खाते होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए पिज़्ज़ा पर भी आप मन से खाएंगे बोल के टिक्का चिन्ह लगाइए, सेहत के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, जैसे नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए खाने की वस्तु क्या है यहाँ पर, दूध। दूध बच्चों आप मन से तो नहीं पीते हैं मगर वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है दूध, ठीक है। तो देखिए आपको दूध जो है उसमें आपको सेहत के लिए आपको टिक्का चिन्ह लगाना है, ठीक है। चलिए जूस, जूस भी क्या है आप मन से नहीं पीते, बास को अच्छा लगता है बास को नहीं लगता है, तो क्या करते हैं आप जूस मन से पीते हैं नहीं पीते, तो वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है बच्चों जूस, ठीक है, फ़ायदेमंद होता है जूसेस भी, ठीक है, आप सेहत के लिए टिक करिए जूस पे भी। लास्ट देखिए कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स जो रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स मालूम है ना आपको किसे बोलेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स ठंडा वगैरह जो होते हैं जूसेस, तो आप वो कैसे पियेंगे, मन से पीते हैं ना बच्चों कोल्ड ड्रिंक्स, क्या करते हैं मन से पीते हैं, ठीक है, ये आप टिक्का चिन्ह लगाइए, ठीक है, यहाँ पर आपको सेहत के लिए हानिकारक होता है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ठीक है। तो बच्चों ये बिट्स आपको समझ में आ गए किस तरह से करना है, आपको पेज नंबर 27, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू।
चलिए आज की क्लास में आपका यहाँ पर ये पार्ट कंप्लीट हो गया है, थर्ड पार्ट कैसे बना शहद। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट फोर्थ लेसन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। आपके नोट्स में आपको क्या वर्क करना है देखिए, अभी यहाँ पर मैंने फर्स्ट बिट जो बताई थी आपको, सही शब्द पे गोला लगाना था ना आपको, ये बिट आपको नोट्स में नीट हैंडराइटिंग से वन टाइम लिखना है बच्चों। ये देखिए कितने वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वर्ड्स नंबर्स डालिए आप, सीरियल नंबर्स डाल के आपको ये 8 वर्ड्स आपके नोट्स में नीट हैंडराइटिंग से वन टाइम लिखना है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? सो इंशाल्लाह वी मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।